है, मतलब मेरी पूरी कहानी देखी पूरी, फिर तो तुमने, मैं कैसे कैसे यहाँ तक आया। और ये फिर ये फोटो आपने, ये आपने बहुत दिन तक ये डीपी थी यहाँ पहले। आज एक भाई मिलने आए हैं, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये कैसे कैसे आया ये इनसे पूछो। हाँ, मैं धर्मेंद्र भाई को 10 के फॉलोवर थे इनके इंस्टा पे, 10 के। अच्छा, स्क्रीनशॉट फोटो को ले रहे क्या? अच्छा, पूरा सबूत है, तब से फॉलो कर रहा हूँ। और मतलब मेरी बहुत इच्छा थी पहले से आने की कि मैं धर्मेंद्र भाई से मिलूं। अच्छा, कितने दिन से प्लानिंग चल रही? एक साल हो गया, एक साल से ज्यादा हो गया। मतलब आपका वीडियो मेरे को इस वजह से अच्छा लगता है कि आप एक तो सबसे अच्छी कॉमेडी करते हो, दूसरा बिना गाली के है, तो बहुत ही क्या ही बताऊं, मतलब अच्छा। तो फिर यहाँ मतलब मेरी जगह मालूम करने के लिए कितनी परेशानी है? बहुत ज्यादा क्या बताऊं सर, मतलब मैं कोटा भी आ जाता। हाँ, पर मन का अगर कोटा जाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा मिल लूंगा, एक फोटो हो जाएगा, तो आपसे वो मजा नहीं आएगा ना। मैंने सोच रखा था चाहे मेरे को कुछ किस भी हद तक जाना पड़े मेरे को, मतलब पर मिलना पड़ेगा, फ्लैट पे जाके मिलूंगा। हैं, तो ये जगह को कैसे पता चलियो कि यहाँ? जगह को पता से चलियो सर, जब दुर्गेश भैया ने आपसे पहली बार मुलाकात की थी ना, तब उनके 2500 फॉलोवर थे। अच्छा, तब उन्होंने कॉन्टेक्ट शो कर रहे थे, तो मैंने उनके अकाउंट से कॉन्टेक्ट निकाले, उनसे बात की। उस दिन से वो उन्होंने बहुत मना किया कि नहीं मैं नहीं दे सकता ऐसे, पर मतलब मेरी दया, मेरे पे उनको दया आ गई कि यार बिल्कुल यार, अब तू तो यार वाकई में इतना बड़ा फैन निकला कि तेरे बताना ही पड़ेगा। YouTube की कहानी बता रहा है, कई है कहानी है कि YouTube पे भी मैंने किसी को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके दोनों चैनल है बस, और कुछ भी नहीं। पूरे YouTube में मेरे व्लॉगिंग चैनल और एक मेन चैनल बस, और कोई ये सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं है, देखो आप खुद देख सकते हो। और दूसरी बात, मैं इनको इंस्टा पे 10 के से फॉलो कर रहा हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है अभी भी 10 के का। है, मतलब मेरी पूरी कहानी देखी पूरी, फिर तो तुमने, मैं कैसे कैसे यहाँ तक आया। और ये फिर ये फोटो आपने, ये आपने बहुत दिन तक ये डीपी थी यहाँ पहले, बहुत दिन तक। फिर मैंने 150 के पे आपको पहली बार बधाई दी थी, आपने वो स्टोरी मेरे मेंशन नहीं की। नहीं की? नहीं, बहुत सारी आती है। मतलब 500 के पे आपने मेरी पहली स्टोरी मेंशन की थी, मेरे को बहुत खुशी मिली। और यहाँ आने के लिए इतनी प्लानिंग करी कि मतलब मैं जिन भी लोग उनसे मिलते थे उन सबका नंबर एक लिख के इनसे मिलिया, उनका नंबर निकालिया, फिर वो बता दो पर्ची का है। ये मेरे पास ये भी पड़ी है कि मतलब आप जिनसे मिले और उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ ना, तो मैंने नंबर लिख लिए थे उनका कि ये मैं लिखूं, और अगर नंबर मोबाइल से डिलीट भी हो जाए तो मैं मतलब मैं जिन से मिलियो नहीं उनकी इंस्टाग्राम पे मैसेज करियो, वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करियो और फिर नंबर लियो, रिक्वेस्ट कर करके नंबर मांगे, मतलब क्या ही बताऊं सर। और ये आपके अकाउंट में मैसेज पे जाए है ना, कई बार मैं आपको मैसेज भी करता था, पर कोई नहीं, मैंने बुरा भी नहीं माना कि अब आपके। अच्छा, मैंने रिप्लाई भी करा है। आपने एक बार रिप्लाई किया, मेरे को हद से ज्यादा खुशी मिली। आपने एक बार ऐसे लगाया था कि मुझे कौन कौन जानता है, मैंने बोला था मैं जानता हूँ, तो आपने मैसेज लाइक किया और आपने रिप्लाई किया थैंक्स मेरे भाई, तो मेरे को बहुत ज़्यादा उस दिन से सोच लिया था कि भाई से मिलना ही है। उस दिन की डेट है 30 अप्रैल 2023। और मतलब अगर मन में कहीं भी ठान लो तो कहीं भी कर सकते। हाँ, कर सकते बिल्कुल। 500 के पे आपने, मैंने 500 के पे आपको बधाई दी थी जो आपने पहली स्टोरी मेंशन की थी, तब से मतलब खुशी, क्या ही बताऊँ सर। चल बहुत बढ़िया। और कौन है घर परिवार में? घर परिवार में मम्मी है, मैं हूँ और छोटी बहन है, ये मेरे बड़े पापा के लड़के हैं। ये तीन लोग हैं ना? हाँ, परिवार में तीन लोग हैं, इसके पिताजी नहीं है। और बारा जिले से छबड़ा से हूँ मैं। छबड़ा से तो अब मैं जब भी छबड़ा आऊंगा या के घर जरूर आऊंगा, और वहाँ आसपास सबसे मिल आना ही पड़ेगा आपको, मेरे घर आना पड़ेगा। मतलब मम्मी, ये बहानो बना के आयो मेरे से मिलने के चक्कर नहीं। मैं बहुत दिन पहले से बोलता था मम्मी मेरे को धर्मेंद्र भाई से मिलना है, तो कि नहीं ऐसे लोग क्या कहेंगे, हर आदमी बोलता है कि भाई पड़ेगा कि ऐसे ही घूमता फिरेगा, पर मैंने सोच लेती हूँ उनका मिलना ही है। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला कि मैं तो उज्जैन जा रहा हूँ, मैं मिलने नहीं जा रहा, मैं तो उज्जैन जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उज्जैन गया और सुबह जल्दी से दर्शन करके वहाँ भी मैंने बोला कि भाई महाकाल मेरी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करना, और उसके बाद डायरेक्ट मैंने इंदौर ट्रेन पकड़ी और इंदौर से यहाँ आके
और बड़ी मुश्किल से उन्होंने एंट्री दी, पर यहाँ तक का सफ़र बहुत कठिनाई से हुआ, पर आखिरकार मिल ही लिया हूँ, आज बहुत खुशी मिली। कोई नहीं भाई, लव यू। तो बस अभी आ गया है और ये अभी घर पे बैठा है। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुन के मेरे तो बड़ा अच्छा लगे। मतलब 2022 नहीं, खोलो तो आप देख लो ये पेन क्या आपके कब हुए होंगे, कब से किया है। मतलब 2021 से ही 9887 फॉलोवर थे आपके। पूरी एक एक बात पता है, एक एक चीज पता है कि 9000 कितना, 887 फॉलोवर था। मैंने फॉलो किया फिर 10K पे, फिर मैंने देखा व्हाट्सएप पे भी डाला, इंस्टा पे नहीं डाला। इंस्टा मैंने पहली बार 150K पे डाली थी और फिर आपने मेंशन नहीं की, फिर मैंने डायरेक्ट 500K पे डाली और आपने मेंशन की। फिर उसके बाद मैं हर बार स्टोरी लगाता गया, आपने मेंशन नहीं की भले, पर मैंने लगाया 1 मिलियन पे भी लगाई और 1.5 मिलियन पे हर बार लगाया। ऐसे ही बहुत सारे लोग लगाए स्टोरी और शायद मैं नहीं लगा पाऊँ बहुत सारा लोग उनकी। अब तो कोई बात नहीं, पर दिल से हमेशा तुम सबके लिए प्यार है और हमेशा रहे वो। तुम कहाँ से हो? मैं राजगढ़ से। राजगढ़ से हो? नहीं, अपने MP से रहता हूँ पर राजगढ़ मेरी पहचान है सर। अच्छा, नहीं घर कहाँ तुम्हारा? यहाँ देवास में, अपना MP यहाँ बड़ा मानसर रोड है। राजगढ़ में रिश्तेदारी है, आपको बहुत बार देखा भी शायद राजगढ़ में मैंने। उसके पहले। चलो बहुत बढ़िया। ये अच्छा, ये काय को काम है अपना? ये गैस रिपेयरिंग का काम करते ना सर आप। तो ये भैया, ये इनको गैस रिपेयरिंग को काम है, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े इन्हें कॉन्टेक्ट कर। थैंक यू।